रखा है। बाकी परिचय मैं समझता हूँ कि मेरा सिर्फ इतना ही है कि इंसान होने की खोज में हूँ। मेरा सिर्फ एक ही परिचय है कि जीवन में चाहे कुछ भी करता हूँ, मैं इंसान होने की खोज में हूँ और लगातार वो खोज जारी है। हो पाया हूँ, नहीं हो पाया हूँ, हो पाऊँगा या नहीं उसका भी पता नहीं है, लेकिन प्रयास उसी दिशा में। वो प्रयास क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है अभी जो जितने मतभेद या जितनी बातें या वैचारिक जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब की निचोड़ जो है वो उस 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। आखिर ये तो बात सही है कि जनता सरकार मोर्चा, लेकिन क्यों है, क्यों है इस पे बात करेंगे तो हमें लगेगा बहुत सारी दिक्कतें हैं इसलिए है। फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं उनसे आखिर परेशानी क्या है। परेशानी सिर्फ एक है और वो है कि जब भी हम पे दबाव बनता है, जब भी समाज में एक व्यवस्था बिगड़ती है, हमारी स्वतंत्रता खोती। स्वतंत्रता को थोड़ा हिंदी तरीके से संधि विच्छेद कर लेते हैं, स्वतंत्रता। स्व का मतलब हम, तंत्र का मतलब कई होते हैं उनमें बताऊं अभी। एक तंत्र का मतलब शरीर होता है और एक तंत्र का मतलब व्यवस्था होता है और एक ता है, ता के भी बहुत महत्व होते हैं। ता का मतलब होता है स्वतंत्र, ता का मतलब होता है उसी में जीना, ता का मतलब होता है दृष्टि, ता का मतलब होता है विचार और फिर ता बहुत सारे मतलब ले लेता है जैसे जैसे हम स्वतंत्रता को अलग अलग जगह फॉलो करते हैं। तो स्वतंत्रता के संबंध में जब बात आती है तो स्व, सबसे पहले जो स्व है, अगर भारतीय हम देखें एक तरीके से आध्यात्मिक को या कुछ, तो स्व का अर्थ होता है आत्मा। स्व का अर्थ आत्मा, आत्मा एक तंत्र में रहती है जिसको हम कहते हैं शरीर, ठीक है। तो शरीर में हम क्या देंगे आत्मा की रक्षा के लिए, ये हम तय करेंगे कि कोई और तय करेगा, ये हम तय करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि शरीर को जीवित रहने की जो चीजें चाहिए वो हमारा शरीर स्वयं जानता है कि क्या बेहतर है। हम लोग बहुत आयुर्वेद की बात करते हैं, बहुत सब की बात करते हैं, ऋषि मुनियों के फोटो लगा के आयुर्वेद की कंपनी खड़ी हो गई, लेकिन आयुर्वेद में दवाइयों के अलावा ये कभी नहीं बताया जाता कि ध्यान भी एक चीज होती है, ठीक है। तो पहले तो स्वतंत्रता हमारे शरीर की है, लेकिन ये शरीर एक परिवार में रहता है, ये शरीर एक परिवार में रहता, तो परिवार का एक तंत्र है, परिवार का एक तंत्र है। हम चाहते हैं कि हम सोए टांगे फैला के 12 बजे तक, लेकिन हमारी मम्मी आके उठाती कि भाई उठ सफाई करनी, तो क्या हम नहीं उठेंगे। जब हमारी स्वतंत्रता तो बाधित हो रही है, देखा जाए तो स्वतंत्रता बाधित हो रही है, लेकिन वो स्वतंत्रता एक दूसरे तंत्र में प्रवेश कर गई जिसको हम परिवार तंत्र कहते हैं। तो अगर हम वहां पे परिवार तंत्र को नहीं समझेंगे तो क्या परिवार हमारा साथ देगा, बताइए आप, साथ देगा? हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पे डट जाए परिवार के अंदर तो क्या परिवार में एका रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो वहां पे एक परिस्थिति एक तरीके का समझ काम करती है, लेकिन जैसे ही ये तंत्र आगे बढ़ता है फिर एक तंत्र और आ जाता है जिसको हम कहते हैं समाज तंत्र। समाज तंत्र भी एक चीज है। समाज तंत्र कहता है, जैसे हम कहते हैं कि मास्क नहीं लगाएंगे, एयरपोर्ट पे हमें रोका गया अभी 2 दिन पहले, हम तो वहां लड़ गए, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, नुकसान हुआ 7-8 लाख रुपए का, हमारे जो काम थे इसकी वजह से नहीं जा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वहां विरोध किया। लेकिन क्या यही विरोध हम लेफ्ट गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं कि नहीं, हम तो राइट में चलाएंगे, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पे हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा गया है और समाज की स्वतंत्रता भी उसी में है। तो एक समझ है, एक जगह तो मैं विरोध कर रहा हूं व्यवस्था का और एक जगह जो है मैं पालन कर रहा हूं, एक जगह मैं समझ से विरोध कर रहा हूं और एक जगह मैं पालन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक जगह विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत, हमारी आत्मा को मारने के लिए काम करा जा रहा है,
और एक तरफ वहां है कि जहां पे हम सड़क को पालन कर रहे हैं वहां हमारी आत्मा को खेलने के लिए काम किया जा रहा है। बात समझ में आई? तो जैसे कि होता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं क्या खाता पीता हूँ ये मेरा अनुभव हो सकता है, मैं कब सोऊं कब उठूं ये मेरा अनुभव हो सकता है, लेकिन परिवार में जो बना है वो मैं खाऊंगा। और उसी तरीके से परिवार के सदस्यों का भी फर्ज है कि वो इस तरीके का भोजन बनाए कि सबके रुचि का हो। फिर उससे आगे बढ़ के परिवार समाज में आता है, और समाज भी एक चीज में आता है जिसके विषय में हम लोग यहाँ बैठे हैं, और वो होती है राजतंत्र। समाज एक चीज के अंदर आता है, वो होता है राजतंत्र। और राजतंत्र में अगर कुछ गड़बड़े हों तो उसको याद दिलाना एक व्यक्ति का कार्य भी है, और राजतंत्र में कुछ सहयोग कर सके उसके लिए भी व्यक्ति के फर्ज हैं। हम अभी सुबह से बैठे यहाँ देख रहे हैं, या वैसे मैंने और भी जगह मीटिंगों में ये देखा है कि आदमी की जब बात आती है कि हम युद्ध करें, हम सरकार से लड़ें या गलत व्यवस्था से लड़ें, तो हर एक व्यक्ति ये कहता है हमारा भाई परिवार है, हमें समय नहीं है, हमें कुछ नहीं है। सच बात तो यह है आपकी आत्मा एक डिब्बे में कैद है जिसका नाम है शरीर, शरीर एक डिब्बे में कैद है जिसका नाम है परिवार, परिवार एक डिब्बे में कैद है जिसका नाम है समाज, समाज एक डिब्बे में कैद है जिसका नाम है राजतंत्र। अगर सबसे ऊपर वाला डिब्बा पिचक गया, अगर सबसे ऊपर वाला डिब्बा पचक गया तब बताओ क्या करो। इसलिए हमें बोलना, बात इस चीज की नहीं है कि हमें राजा से कोई लड़ाई लड़नी है, बात इस चीज की है कि हमें सांस लेनी है। अगर सांस लेने में सबसे ऊपर वाला डिब्बा दिक्कत देता है तो हमें बोलना पड़ेगा। दूसरी एक बात जो इसके साथ पैरेलल यहाँ इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ वो भी चल रही है, उसमें भी बात कर लेते हैं। मैं कहा से 5 मिनट हो गए, चलो 6 हो गए, 4 बजे। तो एक और छोटी सी बात ये होती, मेरे एक मित्र हैं, उनका कारोबार है और वो कारोबार सबसे अच्छा कृषि का व्यवसाय कहा जाता है, जिसका नाम है शहद का व्यवसाय, शहद का व्यवसाय। और उनके पास प्रतिदिन 15 टन बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, ये मत सोचिएगा कम बढ़, 15 टन शहद प्रतिदिन के हिसाब से इकट्ठा होता है। और वो डाबर को और वैद्यनाथ को और पता नहीं किस किस कंपनी को, बाबा रामदेव को भी सप्लाई करते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, वैसे तो आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 15 टन एक ही छत्ते में तो नहीं होता, एक ही छत्ते में तो नहीं होता ना, उसके लिए बहुत सारे छत्ते चाहिए होते हैं। लेकिन हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती, एक रानी मक्खी, ठीक है। यहाँ पे ये छत्ता पूरा इकट्ठा हुआ, बताओ यहाँ रानी मक्खी कौन जा बैठी। अब ये बताओ इस मधुमक्खी के छत्ते को उखेड़ के सोनीपत भी ले जाओगे, झज्जर भी ले जाओगे, कहाँ कहाँ ले जाओगे, और क्या 15 टन शहद हो पाएगा? इसका मतलब ये है कि आप जब ये कहते हो कि संगठन बनाने के लिए सुबह व्हाट्सएप करो, सुबह ये करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहां के 5 आदमी में से एक को चने के झाड़ पे चढ़ा दो, हनुमान एक बार मुझे मिल गए सपने में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई लंका क्यों जलाई? बोले हमने लंका नहीं जलाई, हमने तो अपने पूंछ की आग बुझाई। लंका जल दे, थोड़ी समझो मैं बात क्या कह रहा हूं। अगर ये लड़की अपने मोहल्ले में, अपने शहर में चाहती है कि जनता सरकार मोर्चा का एक संगठन बने, तो इसके लिए इसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो सामने एक सिलेंडर वाला आके सिलेंडर पटक के सड़क तोड़ता है उसी से भिड़ जाए, हो गया था। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सबको लड़ना पड़ेगा, सबको रानी मक्खी बनना पड़ेगा, तब बहुत शहर इकट्ठा होगा जिससे मिठास से हम समाज को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सोचा से एक मक्खी, तू इस छत्ते से निकल, थोड़ा उस छत्ते में आ जा, तो सच बता रहे हैं मक्खी दुखी हो जाएगी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो देखो कल रात को 3 बजे तक भागे, सुबह फिर यहाँ
ये दुखी होना ना है, एक दिन हो जाते हैं। अभी मेरे दिन सुशील से बात चल रही थी, सुशील कहने का हम इतना भागे गोदी में मार पड़ गए। फिर सोचा पहले अपने को ठीक कर लेते फिर देखेंगे, करना पड़ता, शरीर नहीं रहेगा आगे काम कैसे करोगे। तो अगर एक ही मक्खी को तुम हर छत्ते में डालने की कोशिश करोगे तो ना तो तुम्हारे पास शहद ज्यादा इकट्ठा होगा और ना ही तुम कुछ कर सकते हो, और वो मक्खी भी एक दिन जो है परेशान हो जाएगी, या फिर वो मक्खी केजरीवाल बन जाएगी, जैसे किसी ने कहा था, या फिर वो मक्खी केजरीवाल बन जाएगी। केजरीवाल बन जाएगी तो फिर तुम इनसे जाके संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इतने फोन आते हैं, हर एक से कहां तक संवाद करें। मैं तो मेरा फोन बजने नहीं देता, लोग रख रखे लोग आए। बात थोड़ी समझने की यहाँ पे यही है कि हर व्यक्ति को खुद लड़ना पड़ेगा हर एक के लिए, ना सुशील लड़ने आएंगे ना डॉक्टर साहब लड़ने आएंगे, हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और एक बात पक्की है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काशीराम जो थे उनका मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था, निश्चित ही मैं किसी पार्टी का मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उनका एक वक्तव्य पढ़ के मुझे उनसे थोड़ा प्रेम हुआ। वो वक्तव्य ये था कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि बुजुर्ग मेरी बेटी के साथ रेप हो गया है, हम चाहते हैं कि आप थाने में चल के रिपोर्ट लिखाएं। काशीराम ने उनसे पूछा, कहने दे कि तुम तो सही सलामत दिखते हो। बोले जी हमारे साथ बेटी के साथ रेप हुआ। तो बोले नहीं तुम तो सही सलामत दिखते हो। तो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ। बोले तुम्हारी बेटी के साथ रेप हो गया, तुम सही सलामत हो, मुझसे मदद मांगने आ गए सीधे। थोड़ा लड़ते, थोड़ा भिड़ते, थोड़ा जाके माथा पच्ची करते, थोड़ा तर्क मजबूत करते, थोड़ा पुलिस वालों के दो थप्पड़ खाते। ये बिल्कुल वही बात है जिसको कहते हैं कि ना खुदा भी उसकी मदद के लिए आता है जो खुद की मदद करता है। अगर हमें शब्द थोड़ा सा प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, अगर हमें नपुंसकों की भीड़ इकट्ठी करनी है तो हमें एक ही रानी मक्खी चाहिए, और अगर हमें सिंहों की तरह दहाड़ना है तो उसके लिए हर मक्खी को सिंह होना पड़ेगा। मैं आज इन बच्चों के साथ, मेरे साथ तीन चार बच्चे हैं रहते हैं, तो इनके साथ आ रहा था, तो मैंने रास्ते में इनसे बात करते करते, ये किसी विषय पे आजकल काम कर रहे हैं, तो मैंने तो बोला करो, तो कह रहे थे सकल आपको पता है आप हम लोगों को क्यों कह रखा। हमने कहा जब तुम करोगे तो तुम सीखोगे, नहीं तो मेरे पीछे पड़े रहो, तुम जब करोगे तो सीखोगे। जो देवेंद्र को वहां तकलीफ हुई थाने में, वो देवेंद्र जानता है, जिस तन बीते वो तन जाने, बाकी कोई नहीं जानता। ताली बजाने वालों की भीड़ ने इस देश का बड़ा नुकसान किया। मैं पिछले दो महीने से, ढाई महीने से शांत था, अपने कमरे में था, ज्यादा निकल नहीं रहा था, ज्यादा लाइव भी नहीं आता था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि सखा जी कहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं निकल रहे। मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ अपनी जिंदगी में, शायद मैंने एक ही आध किताब पढ़ी हो। मैं किताबों को नर्क मानता हूँ, फिर भी मैंने सोचा शायद कहीं मैं भूल कर रहा हूँ, तो मैंने इस पृथ्वी का पूरा इतिहास जो है अपने तरीके से ढाई महीने में कमरे में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से सब जान लिया। ढाई महीने में पूरी पृथ्वी का इतिहास मैंने समझ लिया, कहाँ क्या किस तरीके की क्रांतियां कब किसने की, लेनिन हिटलर ये वो सब कुछ। और मैंने एक ही चीज जानी, कहते हैं कि जब कोई दिया जलता है तो प्रकाश विदा हो जाता है। किस किस को ऐसा लगता है कि एक दिया जलता है प्रकाश विदा हो जाता है? अंधेरा विदा हो जाता है। किस किस को ऐसा लगता है? मुझे भी एक बार ऐसा लगा था, ऐसी भ्रांति हो गई थी थोड़ी सी कि एक जलता है दिया तो अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है। कहीं गायब नहीं होता, वो उस दिए के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है कि कब दिया बुझे और मैं और तेजी से फैल जाऊं। और ध्यान रखना, जब तुम्हें दिए में देखने की आदत हो जाती है और उसके बाद अगर दिया बुझ जाए तो तुम कतई अंधे हो जाते हो। वैसे तो अंधेरे में थोड़ा बहुत देखते हो, क्योंकि हम सब उल्लू प्रजाति से गुजरे हुए, कहीं ना कहीं रात में आप काम करती है। लेकिन जब जब हम आश्रित हो जाते हैं किसी उजाले के ऊपर, तो हमें जो है अंधेरा बहुत भयंकर तरीके से काटता है। इसलिए मैंने पूरे
पृथ्वी के आप किसी भी आंदोलन की बात करो, मैं फिर उसमें बात कर लूंगा कि किसी भी आंदोलन से ज्यादा यही हुआ कि हर दिए ने, हर एक व्यक्ति ने जो दिए की तरह समाज में आया, उसने अपने जाने के बाद लाखों अंधे पैदा कर, लाखों अंधे। आज जो हम देखते हैं अंधों की भीड़, उसका कारण वो सब लोग हैं जो साहसी थे। हर धर्म से एक आदमी निकला है, बाकी सब अंधे निकले। किसी भी धर्म की बात उठा लो, 2500 साल से बुद्ध आए, उसके बाद कोई दूसरा बुद्ध नहीं आया, सब बुद्ध हो गए। बुद्ध के साफ साफ स्पष्ट लिखा है, अपो दीपा बाप, अपने दिए कुल बनो। और सब कह रहे हैं बुद्ध, वो कहते नहीं बुद्ध के पीछे चलो, उत्तम शरणों के स्वामी। जब बुद्ध कह रहे हैं कि अपने दिए स्वयं बनो, और तुम कह रहे हो उत्तम शरणों के स्वामी, तो सोचो अंधे हो कि क्या हो। अभी सुशील जी ने मेरे पैर पे हाथ बांध दिया, आप लोगों को नहीं दिखा होगा, अगर आप लोग कहो तो लगाने का मैं आप समझ जाऊं, मैं मित्रों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं में एक गुरु हूँ, मुझे लोग मानते हैं चलते हैं, लेकिन मेरा एक काम है, मेरा सिर्फ एक काम है। काम की बात करो भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ ये ये जितनी भी बातें कही, अगर आपको लगता है कि काम की नहीं है, तो हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, मैं उसको क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको समाज में जागृति लानी है, तो किसी एक दिए के लिए नहीं लानी है, एक दिए के नीचे नहीं लानी है, आप सबको दिया बनना पड़ेगा, और सब मिलके सूरज बने तब शायद कोई संभावना, उससे कम में कुछ नहीं।